हेलो गाइस, दिस इज भक्ति कोटरानी एंड वेलकम टू माय चैनल। हम आए हैं कैनरी आइलैंड, जो है महाराष्ट्र का फर्स्ट आइलैंड रिसॉर्ट एंड दिस इज वन ऑफ द लग्जरियस प्रॉपर्टी अराउंड मुंबई। लेट मी जस्ट शो यू एवरीथिंग अबाउट दिस प्लेस, कम विद मी। ये तकरीबन 3 आवर्स की दूरी पे है फ्रॉम थाने एंड लोनावला से ये है तकरीबन 1/2 आवर की दूरी पे। नाउ दिस इज़ द मेन रिसेप्शन एरिया, यहीं से आपको प्रॉपर्टी में एंटर करना है। दे ग्रीटेड अस विद गार्लैंड एंड सम रिफ्रेशमेंट्स एंड अभी यहाँ से जाने के 2 रास्ते हैं, वन इज़ स्टॉक एंड वन इज़ कार्ट। कार्ट इज़ फॉर एल्डर्स, बेसिकली बग्घी से आपको लेके जाते हैं एंड दूसरा रास्ता है द स्टॉक, जो आपको बेसिकली बोट से लेके जाते हैं। एंड दोनों जगह पे वेटिंग एरिया, सिटिंग एरिया, कंफर्टेबल चेयर्स वगैरह सब कुछ है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट आई थिंक। यू नो, इनका हॉस्पिटैलिटी स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे से दिख रहा था एंड दिस वाज समथिंग व्हाट रियली इम्प्रेस्ड मी। अब हम यहाँ पे आ गए हैं एंड यहाँ पे ऑलरेडी उनका स्टाफ मौजूद था, यू नो, टू ग्रीट अस, विच वाज द बेस्ट थिंग। एंड यहाँ पे भी कंफर्टेबल सीटिंग एरिया है, नींबू पानी है, रिफ्रेशमेंट्स है, सो आई थिंक देयर हॉस्पिटैलिटी वाज टॉप नॉच। नाउ कमिंग टू द रूम, लेट मी जस्ट गिव यू अ टूर ऑफ माई रूम। हमने किया था फ्लेमिंगो कॉटेज बुक, जो बालकनी के साथ आता है, विच गिव्स यू अ नाइस बीच व्यू। दिस इज़ बेसिकली अ मैन मेड आइलैंड, सो ये मैन मेड बीच है एंड रूम साइज एंड बाथरूम साइज वो प्रीटी मच डिसेंट। फिर हम गए पूल में, थोड़ा सा स्विमिंग किया हमने, इन्फिनिटी पूल है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। उसके बाद हम गए कुछ खाने के लिए, सो खाना वाज रियली गुड, फूड इज़ डिसेंट। प्राइस की बात करें तो ऑफ कोर्स ये लग्जूरियस प्रॉपर्टी है, 5-स्टार प्रॉपर्टी है, तो रेट्स भी उसी हिसाब से होने चाहिए, सो दैट वाज द रेट। सैंड टॉयज आपको डेफिनेटली कैरी करना चाहिए बिकॉज बीच इज़ वेरी वेरी वेल मेंटेन। नाउ दिस इज़ डे 2 एंड हम गए ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड ब्रेकफास्ट का स्प्रेड काफ़ी अच्छा था, डिसेंट था, मतलब इतना ह्यूज भी नहीं था लेकिन अप टू द मार्क था। वेज नॉनवेज के सारे ऑप्शंस थे एंड दिस वाज द बेस्ट पार्ट, उनके पास फ्रेश फ्रूट का काउंटर था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्रेशली कट फ्रूट्स आपको मिलते हैं, वेस्टेज भी नहीं होता है, परफेक्ट। डे 2 पे भी एक्सप्लोर्ड सम एक्टिविटीज़, ये सारे वाटर एक्टिविटीज़ होते हैं लेकिन ऑफकोर्स दे हैव एज कैटेगरी फॉर दिस एंड काफ़ी एक्सपेंसिव लगे मुझे, सो वी रादर ऑप्टेड फॉर ATV बाइक राइड, जहाँ पे मेरा 3.5 साल का बच्चा भी कर सकता था हमारे साथ एक्टिविटी एंड वी रियली एन्जॉय दिस, इट हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल व्यू। उसके बाद हम गए गेम्स अरीना में, कुछ इंडोर गेम्स खेले हमने, काफ़ी अच्छा ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद यहाँ पे फार्म टू टेबल वाला एक्सपीरियंस भी करवा सकते हो आप, लेकिन अभी जस्ट उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट किया था तो हम वो वाला एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। Overall, I think it is one of the best place to visit near Mumbai. Hi guys, so this is day 3 and now we are checking out. We had a beautiful time here. Bahut zyada maza aaya. The hospitality is very good and I hope you guys enjoyed the video too. Follow me for more and subscribe to my channel. Thank you.